from ya now, girl. दोस्तों आपका दोस्त हाजिर है एक बार फिर टेक मजा YouTube चैनल की जानिब की तरफ से। इस चैनल में हम आपको बहुत से टेक रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बताते हैं। सो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरनेट से रिलेटेड डेली यूज में आती है, जो डेली यूज में जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, और कभी कभी उन प्रॉब्लम्स छोटी छोटी प्रॉब्लम ही काफ़ी बड़ी लगने लगती हैं जब कभी आप कहीं अनजान जगह पे होते हैं या फिर कहीं साइबर कैफे पे होते हैं। जैसे तो इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो फिर वहाँ पे आपको तुरंत कोई ना कोई काम के लिए जाना होता है, लेकिन आप वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सो छोटी छोटी ऐसी ही प्रॉब्लम होती हैं, तो आज एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम जो बट लेकिन जनरली लोगों के साथ हो जाती है वो फेसबुक से रिलेटेड है। जनरली लोगों के पास FB अकाउंट होता ही है। सो क्या होता है कि कभी कभी गूगल क्रोम में लोग जब ओपन करते हैं तो उसमें पॉपअप विंडो खुल के आ जाता है कि सेव पासवर्ड और नेवर, तो गलती से उनको जो है सेव पासवर्ड पे क्लिक हो जाता है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि ये आप ये कैसे इसको रिमूव करें। सो और तो उसको उस समय उनको काफ़ी परेशानी होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा है कि अभी मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला, तो उस फेसबुक अकाउंट को खोलते ही ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ऑलरेडी सेव दिखाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब मुझे पता नहीं इसको कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, इस ये लॉगिन पे क्लिक करेगा तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसके पास है ही। सो ये क्लिक हो गया। सो इसको कैसे रिमूव किया जाए, अगर आप लॉग आउट करते हैं तो ये फिर सेव रहता है। तो हम एक नया गूगल का विंडो खोल लेते हैं और इसमें टॉप साइड पे जाते हैं, टॉप साइड पे देखते हैं कि इसमें गूगल के एक क्रोम बार पे जहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुल जाता है। इसमें देखते हैं कि काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके फिर लास्ट में हम देखते हैं कि सो एडवांस सेटिंग, सो एडवांस सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। सो एडवांस क्लिक फिर स्क्रॉल थोड़ा डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए, दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, पासवर्ड एंड फॉर्म्स। पासवर्ड एंड फॉर्म्स में इनेबल ऑटो टू फिल आउट वेब फॉर्म इन ए सिंगल क्लिक, इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये उसके लिए होता है कि नेम ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस ये उस पासवर्ड को सेव करता है जो आप कभी ईबे पे या अमेजोन पे या कहीं पे भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आप जो है परचेज करते हैं, तो ये उसका शिपिंग एड्रेस अपने आप सेव कर लेता है। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने पहले से यहाँ पे किसी में शिपिंग करने के लिए या कुछ आपका एड्रेस जो मंगाने के लिए क्लिक की मतलब आपने फिल किया हो डेटा, तो वो सेव कर लेता है ताकि आपको बार बार वो भरना ना पड़े। लेकिन अभी हम उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो हम इसको अगर हम इसको इनेबल की जगह अनेबल कर देंगे तो ये आपका सेव नहीं करेगा। तो ये आप एक चीज़ ये भी आप यहाँ से समझ चुके होंगे। सो अभी हम इसको इनेबल ही रहने देते हैं, लेकिन अभी हमको देखना है कि मैनेज पास जो है हमारा जो पासवर्ड है वो जिस फेसबुक का वो सेव हो चुका है उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो अभी हम उस पर मैनेज पासवर्ड पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो पासवर्ड एंड फॉर्म है उसका सेकंड ऑप्शन मैनेज पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सेव पासवर्ड ऑलरेडी हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे फेसबुक साइट का दिखा रहा है, क्योंकि फेसबुक साइट पे हम के गलती से क्लिक हो गया था। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि facebook.com में यूजर आईडी और पासवर्ड। तो हम यूजर आईडी हम पासवर्ड को आपको यहाँ पे रिमूव करने के लिए सिंपली से यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली से हमें यहाँ पे क्रॉस बटन पे यहाँ पे डिलीट करना होगा इसको। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट करने के बाद इसको हम डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद हम आप फिर अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं, फेसबुक अकाउंट पे। सो देखते तो देखिए आपका फेसबुक यूजर आईडी और पासवर्ड एकदम गैप हो चुका है। अब नए तरीके से आप कोई भी कुछ भी कर अपना फेसबुक पासवर्ड डालेगा तो उसको खुलेगा नहीं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि यह ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा। सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे काफी टेक रिलेटेड क्वेरीज हम आपको बताएंगे और आगे भी बताते रहेंगे जो डेली यूजर्स में आती है, डेली यूजर्स में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो उससे कैसे बचना है और कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को हम बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, और दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।